क्या आपको 20 स्टेप प्रोसेस की जरूरत है स्टोरी टेलिंग करने के लिए, या फिर ये एज सिंपल एज 1 2 3 हो सकता है? आइए इस वीडियो में जानेंगे, जहां पे मैं करने वाला हूं एक नई बुक का रिव्यू। लेट्स चेक इट आउट। एज अ स्टोरी टेलिंग कोच मेरी फेवरेट हॉबी है, या हैबिट कह लो आप, कि मैं अलग अलग जॉनरा के अलग अलग तरीके के बुक पढ़ूं एंड स्पेशली स्टोरी टेलिंग की बुक पढ़ूं। तो एक बुक जो कि काफ़ी पॉपुलर है और जब मैं रिसर्च करता हूं अबाउट बिजनेस स्टोरी टेलिंग, वो बार बार दिखा रही थी मेरे गूगल पे, एंड दैट बुक इज कॉल्ड अनलीश द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड विन हार्ट्स चेंज माइंड्स एंड गेट रिजल्ट्स बाय रॉब बाइसनबेज। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो इन दिस वीडियो मैं इस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ, से ट्यून्ड टिल द एंड। सो द प्रेमिस, इस बुक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू मेक बिजनेस स्टोरी सिंपल, बिजनेस स्टोरी मेड सिंपल। सो इसके जो ऑथर है रॉब, वो एक अवार्ड विनिंग स्पीकर, कंसल्टेंट एंड ट्रेनर है, और उन्होंने इस बुक को बहुत ही लाइट, बहुत ही सिंपल रखा है। सो इस बुक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हाइपी कॉम्प्लिकेटेड नरेटिव्स नहीं मिलेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल बुक एंड वेरी वेरी not too big also. It's about 160 pages across 15 chapters. So, and सबसे मेन चीज़ है इसमें बहुत सारे अच्छे प्रेज भी हैं, जैसे कि पेट्रिशिया फ्रिप, जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल स्पीकर्स एसोसिएशन इन US थी, उनका प्रेज है ना। ऐसी देर इज समथिंग कॉल्ड सोनाली बार्क कंसल्टिंग की प्रेसिडेंट एंड CEO है, उनका है प्रेज। सो लॉट ऑफ प्रेज एंड लॉट ऑफ गुड वर्ड्स आर देयर। सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक, जो कि कट थ्रू द चेस करती है एंड सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बुक के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं जिसमें ये बुक डिवाइडेड है। तो जो सबसे पहला पार्ट है, पार्ट 1, विच इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग एसेंशियल। सो बेसिकली जैसा कि नाम करता है, इसमें बताया गया है कि स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल क्यों है, क्यों हम स्टोरी के बारे में बात करते हैं, क्यों स्टोरीज लोगों की लाइफ बदल सकती है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट व्हाट इज अ स्टोरी, हाउ यू कैन क्रिएट अ स्टोरी, आप उसके इमोशंस को कैसे टैप कर सकते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी, आप स्टोरी को एक्शन में कैसे अप्लाई कर सकते हो। नाउ जैसे मैंने हुक में कहा था, द 3 एलिमेंट्स, यू डोंट नीड 20 स्टेप प्रोसेस, द 3 एलिमेंट्स जो कि ही टॉक्स अबाउट इज अ कैरेक्टर, अ गोल एंड अ चैलेंज। दैट इज द ओनली 3 एलिमेंट्स एज पर रॉब टू क्रिएट अ कंपेलिंग स्टोरी। सो वेरी 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 इंटरेस्टिंग फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट 2, विच ही कॉल्स एज एडवांस स्टोरी टेलिंग। वॉट इज एडवांस स्टोरी टेलिंग? उस एडवांस स्टोरी टेलिंग में ही गोज इन टू कि हम कैसे नरेटिव सेट कर सकते हैं, कैसे हम स्टोरीज को पावरफुल बना सकते हैं, कैसे हम उसके अननेसेसरी चीज को हटा सकते हैं। बिकॉज स्टोरीज, वेन वी टॉक अबाउट स्टोरीज, में बहुत सारे फालतू की चीज़ें लोग ऐड कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हाउ कैन यू कीप योर स्टोरी विथ इंटीग्रिटी। आई लव दैट चैप्टर वेयर ही टॉक्स अबाउट कि स्टोरीज का ऑथेंटिक और इंटीग्रिटी होना क्यों ज़रूरी है। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप कैसे अलग अलग तरीके से स्टोरी फाइंड कर सकते हैं। और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इज वेन ही टॉक्स अबाउट स्टोरीज कज़िन। जी हाँ, स्टोरीज के कज़िन, यानी कि एनालॉजी, मेटाफर, कंपेरिजन एट्सेट्रा। एंड आई हाईली रिकमेंड दिस पार्ट बिकॉज लॉट ऑफ टाइम पीपल कन्फ्यूज बिटवीन दैम, एंड ऑल्सो दे डोंट अंडरस्टैंड दैट वॉट एनालॉजी और मेटाफर कैन ब्रिंग पावर टू योर स्टोरीज। अगर आपको एनालॉजी मेटाफर के बारे में ज़्यादा कुछ वीडियो बनाना है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं एक डिटेल वीडियो बना सकूँ कि वॉट इज स्टोरी, वॉट इज एनालॉजी, वॉट इज मेटाफर एट्सेट्रा। नाउ थर्ड पार्ट की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड अप्लाइड स्टोरी टेलिंग। नाउ दिस इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द बुक, बिकॉज यहाँ पे रॉब टॉक्स अबाउट विच मोस्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग बुक्स डोंट टॉक अबाउट, इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो हाउ यू कैन यूज स्टोरी टेलिंग फॉर शेयरिंग योर कंपनीज विजन, हाउ यू कैन यूज स्टोरी टेलिंग टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन, हाउ यू कैन टेल योर ओन स्टोरी वेन आस्क्ड इन एन इंटरव्यू, हाउ यू कैन यूज स्टोरीज फॉर setting or telling a personal branding. And this is what I love. And he also gives a lot of practical tips and tricks on how you can raise a toast, how you can do a tribute, how you can actually tell an eulogy, right? So this book is filled with lot of stories, lot of his own experiences, which makes it really, really interesting. The only thing I would have liked to see little bit more, इसकी स्टोरीज हर चैप्टर के अंदर में अगर एक छोटा सा
एक्शन आइटम या टू डू लिस्ट होता, इट वुड हैव मेड इट मच मच ईजियर फॉर एनी वन हु इज़ गोइंग थ्रू सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ टाइम. सो अगेन दैट इज़ माई विशफुल थिंकिंग, बट आई वुड से दिस इज़ अ डेफिनेट रिकमेंडेशन इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न और रादर अनलीश द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मे बी इट्स टाइम यू कंसिडर दैट. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. आई सी यू. Until then, take care, stay safe, and stay blessed.